मन और अनंत शुक्राना, सभी संगत जी को मेरा शुक्राना। आज गुरु जी की कृपा से मैं आपसे अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मेरा गुरु जी से वादा था कि मैं 25 दिसंबर को आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। दो मेरी कंडीशन सभी अच्छी नहीं है, फिर भी गुरु जी ने मेरा मुझ पर जितने उपकार किए हैं मैं वो सब आपसे शेयर करती हूँ। गुरुजी को मैं अपने घर 4 जुलाई को लाई थी। हालांकि वो मुझसे पहले से ही मेरे घर आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने न जाने किन संदेहों में पड़ गई और उन्हें अपने घर नहीं ला पाई। फिर हुआ यूँ कि मेरी जॉब बदल गई, उसके बाद से मेरी परेशानियाँ ज़्यादा अच्छी होने की बजाय ज़्यादा शुरू हो गई। मेरी कंडीशंस और बिगड़ गई, मानसिक तनाव रहने लगा और हस्बैंड भी इनसिक्योर फील करते थे मेरे जॉब से, तो वे मुझे बहुत परेशान करने लगे। अचानक से एक दिन मेरी फ्रेंड, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उसने फ़ोन लगाया। उस फ़ोन से मुझे गुरुजी की याद आई और फिर मैंने उसी समय गुरुजी से अरदास की। वो 4 जुलाई का दिन था, उसी समय मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप बस मेरी समस्याएं दूर कर दीजिए। तो मैंने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि बस मैं घर जाना, अपनी माँ बाप के घर वापस जाने का सोचने लग गई थी। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि आखिरी 10 दिन हैं, बस आप इसमें अगर आप मेरे लिए कुछ कर दें तो बड़ी कृपा होगी। तो संगत जी, गुरुजी का अनंत शुक्राना, उन 10 दिनों में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके मेरा गुरुजी पे विश्वास बन गया। इसके बाद मेरी बच्ची को PCOS की प्रॉब्लम हो गई संगत जी, उसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे और उसकी वजह से, तो फिर हम लोग उसने डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो उन्होंने डॉक्टर ने सिस्ट बताई। फिर ऐसे करके सिस्ट का इलाज हुआ, उसके बाद भी उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। मीनवाइल वो छुट्टियों में दिवाली में 5 दिन के लिए घर आई, तो मैंने उस वक्त तक मैंने गुरुजी की फ़ोटो घर अमेज़ॉन से मंगवा ली थी, उनके 2 लॉकेट मैंने मंगवा लिए थे, साथ ही साथ मुझे एक पॉकेट साइज़ का गुरुजी का स्वरूप मुझे फ्री में लॉकेट के साथ मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई, जो मैंने सोचा ही नहीं था, फिर भी मेरे पास अचानक अपने आप आ गए गुरुजी। तो मुझे अब, मैं उस पॉकेट साइज़ फ़ोटोग्राफ को कभी अपने आप से अलग नहीं करती, हमेशा जहाँ जाती हूँ वहीं ले जाती हूँ। तो दिवाली के समय पे जब मेरी बच्ची 5 दिन के लिए घर आई, मैंने वो 5 दिन उसे, जैसे कि सभी लोग करते हैं, मैंने गुरुजी का पानी में वो तांबे के लोटे में गुरुजी का लॉकेट हिला के 5 बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके मैंने उसे पिलाया। और ऐसे करके सिर्फ 5 ही दिन पिला पाई और फिर वो चली गई पढ़ाई करने अपने बाहर। तो फिर बस इतना ही हुआ, लेकिन उसके बाद से उसके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आ गए। जिस समय पे उसका पहला पीरियड आया था संगत जी, वो अक्टूबर का टाइम था, तो अक्टूबर में मैंने बहुत वो नवरात्रि का समय था संगत जी, दशहरा का दिन था, तो मैंने गुरुजी से बहुत, उस वक्त मैं परेशान थी क्योंकि उनका टाइम पीरियड समय पे नहीं आ रहे थे, तो बहुत अरदास करी मैंने गुरुजी से कि प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए, बच्चों को ठीक कर दीजिए, जो भी दिक्कत है आप मुझे दे दीजिए, पर मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे एक अजीब कलर की तितली दिखी, वही कलर था तितली का जो गुरुजी की फ़ोटोग्राफ मेरे पास है, रॉकस्टार वाला, जिसमें गुरुजी पीछे रेड कलर के पर्दे हैं और वाइट और ब्लैक कलर का गुरुजी ने चोला पहन के रखा है, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन, और एक सुनहरा सा भी बीच में है। तो वह तितली मुझे उसी कॉम्बिनेशन में दिखी, सुनहरे कलर की और वाइट और ब्लैक,
कलर की तितली 12 बजे के आसपास मुझे बस मेरे अराउंड ही घूमती रही करीब करीब 10 मिनट तक। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके 10 मिनट बाद ही मेरी बच्ची का मेरे पास फ़ोन आ गया कि मम्मी मेरे पीरियड्स आ गए। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। और फिर अगले महीने फिर मैंने फिर अरदास की गुरुजी से, तो वो उस दिन 7 तारीख थी, तो उस दिन भी मेरी बच्ची के सही से पीरियड हो गए। और फिर अगला महीना आया तो फिर से मतलब उसने स्वयं ही बताया कि मम्मी गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शायद अब उन्होंने मुझे अच्छा कर दिया है। तो ऐसे करके गुरुजी ने उसे अच्छा कर दिया। संगत जी, जुलाई के वक्त में जब मैंने गुरुजी से पहली प्रार्थना की थी, मेरे हस्बैंड के ऊपर एंसेस्टर्स का बहुत सारा लोन था जिसे वो चुकाने में बहुत परेशान हो चुके थे। तो हम लोगों ने घर बेचने की सोची, तो घर बेच तो रहे थे लेकिन वो सब ठीक से हो नहीं पा रहा था, कोई लेना नहीं चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी 4 जुलाई को, 17 जुलाई के अराउंड आसपास मेरे घर की डील फाइनल हो गई। और अभी तक मैं हमारे घर का सारा कर्जा चुक गया है और दो हम लोग अब किराए के घर में हैं, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी का साया सदा हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, तो कहीं भी रहना मुश्किल नहीं है। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हमको ज़रूरत ही नहीं है अगर गुरुजी साथ हैं। बस स्वास्थ्य अच्छा बना रहे सभी का, मेरी गुरुजी से यही अरदास है। बस अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी का, अनंत अनंत शुक्राना। अगर हमारे बाकी समस्याएं भी, हेल्थ संबंधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, तो बस मैं गुरुजी का मत्था टेक लें, उनके बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सभी पे अपनी दया।